काम कर सकता है लेकिन जब उसका डर खत्म होता है या उसको समय आता है तो वो कैसे बहादुरी दिखाता है इस स्टोरी में हम देखते हैं कि सिचुएशन आने पर इंसान कैसे अपने बहादुरी से किसी भी एक्ट को परफॉर्म करता है नाउ स्टार्ट द चैप्टर अमित एंड सुरभि व नेबर्स अमित और सुरभि एक पड़ोसी हैं दे आर नेबर हैं बोथ वर ऑफ द सेम इज दोनों की एज सेम है दे फो दे गॉट अलॉन्ग वेरी वेल इसलिए वे दोनों एक समान हैं हाउ अबाव देर वॉज अ डिफरेंस इन देअर नेचर बट उनके नेचर में उनके स्वभाव में डिफरेंस है अमित वॉज टिमिट शाही एंड फियरफुल अमित टिमिट डरपोक है शाही है एंड डरता है वे एस सुरभि वॉज बोल्ड डेयरिंग एंड फियरलेस जबकि सुरभि बोल्ड है हिम्मती है और निर्भीक है अमित फेल्ट सेफ इन सुरभिस से कंपनी अमित को सुरभि की कंपनी में बहुत सुरक्षित फील होता है एंड दो ऑफ द सेम एज सुरभि ऑलवेज हैड एन अपर हैंड जैसा कि दोनों की एज सेम है और सुरभि हमेशा अपर हैंड सुरी की अमित के ऊपर अपना हाथ सुरक्षा के लिए रखती है उसकी हमेशा मदद करती है वन डे ऑन अ कोल्ड विंट्रीज आफ्टरनून बोथ फ्रंट्स व प्लेइंग इन अ पार्क नियर देअ हाउस एक दिन कोल्ड विंटर का समय बहुत ठंड का समय है दोपहर के समय बहुत फ्रेंड जैनि कि अमित एंड वर प्लेइंग वे लोग पार्क में अपने घर के पास प्ले कर रहे हैं वेन दे सार टू सस्पिशियस लुकिंग मैन और ए उन्होंने दो ऐसे आदमी को देखा जिन्हें उन्हें देखकर कुछ डाउट हुआ कि वो कुछ अलग टाइप इंसान है एंड देख के बेंच और वे दोनों आते हैं पार्क में एंड बेंच पर से डाउन हो जाते हैं ये बैठ जाते हैं द वे दे वक लुकिंग ऑल अराउंड टू मेक और ये सब देख करके सुरभि को बहुत उत्सुकता होती है अमित एंड सुरभि डिसाइडेड टू गेट क्लोजर टू देम सुरभि एंड अमित वह सब देखते हैं तो बहुत उन लोग को लगता है कि ये क्या है क्यों ऐसे इंसान है अमित और सुरभि ने निश्चय किया कि वे उनके पास जाएंगे और उनके कन्वर्सेशन को यानी कि वार्तालाप को सुनेंगे दे सा अ क्वाइट क्लोजर टू द बेंच उन्होंने देखा बेंच के पास एक बहुत छोट मतलब झाड़ियों को देखा वेयर द दे टू मैन वर सिटिंग जहां की दोनों आदमी बैठे हुए थे बेंच पर सुरभि एंड अमित क्वाइटली क्रेप्ट बिहाइंड द बुश अनोटिस और सुरभि एंड अमित बिना बताए हुए धीरे से बुश के पीछे चले जाते हैं चुपचाप दे मेड कम्फर्टेबल एंड सेट टू पर खड़े होकर निश्चिंत आराम से खड़े जाते हैं जिससे कि वे उनकी बातचीत को सुन सकें आई होप नो बडी है मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को किसी ने नहीं देखा है रमेश सेट वन अदर इन दू दूसरे आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा लो वॉयस में कहा कि मुझे उम्मीद है रमेश किसी ने हम लोगों को नहीं सीन किया हम लोग को नहीं देखा कोर्स नॉट विनय से रमेश रमेश ने कहा विनय बिल्कुल सही कह रहे हो किसी ने हम लोग को नहीं देखा यू नो दिस कॉलोनी इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम टाउन एंड मोर एवर हार्डली एनी वन विजिट दिस पार्क ड्यूरिंग द डे यू नो जैसा कि तुम जानते हो यह कॉलोनी जो है शहर से दूर है और मुश्किल से कोई किसी भी दिन यहाँ पर कोई पार्क में आता है हैव यू मेड ऑल द अरेंजमेंट्स वेयर हैज द मीटिंग बीन फिक्सड आई होप इट इज़ अ टोटल सीक्रेट एंड नो बडी नोज द प्लान ऑफ एक्शन से रमेश रमेश ने कहा क्या तुमने सारा अरेंजमेंट कर लिया है हमारी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ फिक्सड होगी कहाँ होगी आई होप मुझे उम्मीद है यह बिल्कुल सीक्रेट होगा किसी को भी इसके बारे, हमारे प्लान के बारे में जानकारी नहीं होगी एवरीथिंग इज सेट एंड डिस विनय ने कहा कि सभी कुछ अच्छे से डिसाइड कर लिया गया है और सेट हो गया है द टू विल बी मीटिंग टूडे इन द फॉरेस्ट नियर द ग्रेव यार्ड एट एट पी एम और उन लोग की नेक्स्ट मीटिंग फॉरेस्ट में के पास ग्रेफ यार्ड में आठ बजे होगी राइट एवरीथिंग इज डिस्क एंड फाइनलाइज्ड लेट मेक अ मूव बिफोर एनी बडी स्पॉट्स अस बोथ द ऑफ देम सेट टुगेदर एंड लेफ्ट लेफ्टी बिल्कुल सही कह रहे हो तुम और सभी कुछ डिस्कस करने के बाद से हम लोग को अब यहाँ से चलना चाहिए जिसके पहले हम लोग कोई देखे हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और वो दोनों एक साथ जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं वेन सुरभि हैड क्लोज लुक एट द मैन और सुरी जब उनको पास से देखती है शी फील दैट दे वर नॉट गुड पीपल एंड वर प्लानिंग समथिंग डेंजरस और उससे फील होता है कि ये लोग अच्छे पर्सन नहीं है और कुछ डेंजरस यानी कुछ गलत ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ गलत काम करने की सोच रहे हैं सिंस दे न्यू द प्लेस एंड टाइम ऑफ एक्शन और जिसके लिए वे, वे कुछ ऐसी जगह और समय की तलाश कर रहे हैं अमित और सुरभि डिसाइडेड टू गो देयर एंड विटनेस व्हाट वाज गोइंग टू तो टेक प्लेस अमित और सुरभि ने डिसाइड किया कि वे उस जगह पर जाएंगे और उसका पता लगाएंगे क्या होने वाला है शी टोल अमित लेट्स रिटर्न होम वह अमित से कहती कि हम हम लोग को घर चलना चाहिए आई विल मीट यू एट योर प्लेस एट सिक्स पी एम मैं तुमसे तुम्हारे घर पर सिक्स पी एम पर मिलूंगी वी शेल देन गो टूगेदर टू द फॉरेस्ट फिर हम लोगों को एक साथ फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहिए अमित अग्रीड एंड पोथ लेफ्ट फॉर देयर रेस्पेक्टिव होम्स अमित इस बात से सहमत हो जाता है और दोनों अपने घर की तरफ जाते हैं सुरभि रिस्ड अमित होम एट सिक्स पी एम सुरभि अमित के घर पर छः बजे पहुँचती है एंड नॉकड ऐट द डोर और दरवाजे पर नॉक करती है खटखटाती है अमित ओपन द डोर अमित दरवाजे को खोलता है ही वॉज रेडी बट शी कु नॉट इजली सी द साइन ऑफ वरी ऑन हिज फेस वह बिल्कुल तैयार रहता है लेकिन शी कुड नॉट इजली सी वो आसानी नहीं देख पाती है उसके फेस पर जो उसका घबराहट होता है उसकी चिंता होती है उसको देख नहीं पाती है कम ऑन अमित यू नीड नॉट वरी अबाउट इट से अमित से कहा कम ऑन डरो मत कोई चिंता मत करो आई मैं तुम्हारे साथ हूँ अब हम लोग को चलना चाहिए ओके ओके आई एम कमिंग ठीक है ठीक है मैं आ रहा हूँ अमित रिप्लाई अमित ने बिना इच्छा से उत्तर दिया अमित नू ही वॉज एफ्रेड टू गो आउट विद सुरभि इन टू द फॉरेस्ट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर अमित जानता था कि वो डर रहा है सुरभि के साथ फॉरेस्ट में जा करके इन्वेस्टिगेशन करने में छानबीन करने में वो डर रहा था बट वॉट वॉज द हार्म हिज पेरेंट्स वुड नॉट बी अराउंड फॉर द होल वीक लेकिन वो क्या कर सकता था उसके पेरेंट्स को कोई मतलब कि पता क्या चलेगा उनके बारे में ही पुट ऑन हिज कोट वो अपना कोट पहनता है एंड बिफोर लिविंग लॉकडू द हाउस और वहाँ से जाने के पहले अपने घर को लॉक करता है दे टर्न अराउंड एंड लुक्ड अप दाउन द रोड नॉट अ सोल वॉ देर टू द सीन और वे इधर उधर देखता है और सड़क पर ऊपर नीचे देख के उतरता है नॉट अहां पर कोई भी उन लोगों दिखाई नहीं देता है कम ऑन एंड कीप फॉलोइंग मी सेट सुरभि सुरभि ने कहा आओ और मेरा मेरे साथ आओ मेरे पीछे आओ सुरफ गर्ल सो नथिंग कुर हुरभि एक बहादुर लड़की थी और उससे कुछ भी छिपा नहीं जा सकता था वो निडर थी अमित है नेवर सीन हर नर्वस इन एनी कंडीशन अमित ने उसे कभी किसी भी सिचुएशन में किसी भी हालत में नर्वस होते हुए घबराए हुए देते हुए नहीं देखा इट आज अमित हु वॉज इज़िली स्केयर मोस्ट ऑफ द टाइम यह अमित जो था जो आसानी से डर जाता था किसी भी समय पर बहुत जल्दी डर जाता था घबरा जाता था सुरभी व लाइक अ लीडर टू हिम और सुरभि उसके लिए एक लीडर के समान थी ऑलवेज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड और हमेशा फर्स्ट स्टेप वो हमेशा आगे करती थी यानी कि हमिश से आगे रहती थी हमि हमेशा उसके पीछे चलता था नो चिल्ड्रेन आई होप यू हैेरी वेल्फ एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू जय हिंद